हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे फर्स्ट गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक एंड डेली प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। इन तीनों के बारे में अपन प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक कैंडल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस कैंडल को मैं 2 से 3 कैंडल और बना लेता हूँ, एंड देन इसके माध्यम से समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, सपोज करिए ये कैंडल है, एंड कैंडल्स के बीच में ये क्या होती है, विक होती है। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, जब भी ट्रेड करता है या मार्केट अपना मोमेंटम बनाता है या मार्केट का कोई भी एक पैटर्न रन होता है, तो उसमें विक्स का भी काफी अच्छा रोल होता है। तो आपको लास्ट वाली कैंडल देखनी है बिफोर द बाई, ठीक है, एंड बिफोर द सेल। वही सेम सिनेरियो, लास्ट वाली कैंडल देखनी है। अगर मार्केट सेल साइड से बाई साइड की तरफ जा रहा है तो वहां पे आपको लास्ट बाइंग कैंडल देखनी है। अगर मार्केट सेल की तरफ जा रहा है तो आपको लास्ट वहां पे सेलिंग कैंडल देखनी है। मतलब अपोजिट काम करेगा, बाइंग देख लो या सेलिंग देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो कैंडल लास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज करिए ये लास्ट वाली कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल कर देता हूं मैं इसको कलर। ठीक है, ये लास्ट कैंडल है। अब इसको ऑर्डर ब्लॉक कैसे कंसीडर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल का हाई रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, एंड इस कैंडल को कोई भी कैंडल मिटिगेट नहीं करनी चाहिए, यानी कि सेकंड कैंडल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थर्ड कैंडल या तो इसका विक ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, या हो सकता है कि फोर्थ कैंडल हो, फोर्थ कैंडल का विक भी नहीं आना चाहिए। जैसे सपोज करिए कोई नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल का विग वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्योर कैंडल होनी चाहिए ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह बहुत अच्छे से काम करेगा। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा परफेक्टली वर्क करेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया एफवीजी का, जिसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। उस वीडियो को आप यूट्यूब पे जाके देखिए एंड सर्च कीजिए कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एंड फेयर वैल्यू गैप पे आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि थर्ड कैंडल कभी भी इसको टच नहीं करना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का हाई को, ना ही थर्ड कैंडल का बॉडी यहाँ पे आना चाहिए कुछ इस तरीके से। चाहे कोई सी भी कैंडल हो, ये बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट कुछ इस तरीके से बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट यहाँ पे भी कैंडल्स बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ना तो इसको विक टच करना चाहिए, ना ही बॉडी टच करनी चाहिए, इसको कुछ भी टच नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल प्योरली कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बिल्कुल प्योरली कैंडल है तो ये अच्छे से वर्क करेगी। एंड इसको आप कैसे मार्क करेंगे, इस टॉप हाई से लेके, ठीक है, कैसे करेंगे, इस टॉप हाई से लेके एंड इस बॉडी का जो ये एरिया है, ये आपका होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक तो आपने मार्क कर दिया, तो कई लोगों का सवाल आएगा मन में, सोच रहे होंगे कि ये जो वाला एरिया है, ठीक है, ये बॉडी के नीचे वाला एरिया, इसको मैंने मार्किंग क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज को जानना पड़ेगा, वो क्या चीज है, देखिए कि जब भी आप लास्ट वाली कैंडल लेंगे, चाहे बाइंग साइड में हो चाहे सेल साइड में, तो वहां पर पीवाई होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को दिखाने के लिए आपको इस वीक को ब्लैंक करना पड़ेगा, इस वीक को आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप इसको इंटरनल में मार्किंग करते हैं तो वो केस चल सकता है, बट ना तो ये यहाँ पे इंटरनल में है ना ये यहाँ पे एक्सटर्नल में, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करके दिखाना होगा, जिससे कि आपकी ट्रेड गलत ना हो, आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड ना करें। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट इतना सा है, बट ये जो मैंने बताया कि फर्स्ट कैंडल का हाई और जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी है, उसके बीच में चाहे इतना सा ही गैप हो, ये जो गैप होता है इसको कहते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ये गैप जो होता है, इस गैप को कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एफवीजी कहा जाता है इस गैप को, और जहां पे एफवीजी होगा वहां पे ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली 100% वर्क करेगा। ये वो स्टेज हो सकता है कि जहां पे उसको वर्क ही ना करे, तो या तो मिड में हो सकता है या ऐसे एरिया में हो सकता है जहां पे कैंडल्स का प्रॉपर वर्क ना हो। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका मार्केट ब्रेक कर दे या आपको ट्रैप करने का ट्राई करे, बट टॉप एंड डाउन पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां पे प्रॉपर तरीके से सारी चीजें वर्क करेगी। ठीक है, तो अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं कि बेस्ट गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे हो सकती है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा इसको, आपको अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं पहले अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ये कैंडल कुछ इस तरीके से ड्रॉ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। सपोज करिए मार्केट क्या करता है, अप जाता है एंड करेक्शन करने के लिए मार्केट डाउन आता है, अगेन मार्केट अप जाता है करेक्शन करने के लिए डाउन आता है। सेम इसी तरीके से मार्केट रन होता है। ठीक है, मार्केट का कोई चेंजेस नहीं होता है, इसी तरीके से मार्केट रन होगा पूरा। ठीक है, अब देखिए मार्केट डाउन आ रहा है वापिस ऊपर जा रहा है, मार्केट डाउन आ रहा है वापिस ऊपर जा रहा है, ये क्यों ऊपर जा रहा है और क्यों नीचे आ रहा है और वापिस ऊपर जाने का रीजन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, अगेन मार्केट क्या करेगा, फिर से आएगा, फिर से यहाँ पे आपका इस पीछे वाले से एंड आगे वाले से इस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये डबल टाइप का ऑर्डर ब्लॉक होता है, नेक्स्ट एडवांस क्लास का टॉपिक है, बट मैं बता देता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ पे ट्रिपल बी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बट ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक भी काम करेगा। ठीक है, सेम सिनेरियो इसमें वर्क करेगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्लस ट्रिपल बी। ठीक है, या आप इसको सपोर्ट मानना चाहें मान सकते हैं, बट थोड़ा अलग केस हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, तो इस तरीके से क्या होगा, आपको जितने भी ऑर्डर ब्लॉक से वो सारे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर आपने सारे ऑर्डर ब्लॉक देख लिए तो डेली का आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ना तो कोई गेमलिंग करना पड़ेगा, ना कुछ आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, आप डेली बेसिस पे इस पे अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का ऑर्डर ब्लॉक का चैप्टर खत्म हो गया। अब थर्ड जानते हैं कि आप डेली प्रॉफिट कैसे करोगे, मार्केट में एनालिसिस कैसे करोगे इन चीजों का, उन चीजों के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा अपन। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये गोल्ड का चार्ट है, ये जो गोल्ड का एनालिसिस हो रखा है ये कल ही मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया था, टीम वाले ने, जहां पे टेलीग्राम पे मेरी पूरी टीम है, जहां पे लोग फ्री में सीखते हैं। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली क्लासेस होती है वहां पे, आपको डेली सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट क्या करेगा, कैसे काम करेगा, वो सारा का सारा सिनेरियो मैंने अपने टेलीग्राम में डाल दिया था। अब आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 आर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर अपन पीछे के चार्ट्स वगैरह खोल के देखते हैं तो मार्केट का यहाँ पे अभी मेरे पास इतना नहीं है, बट डे के पे देख लेते हैं अपन, डे पे क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए गोल्ड जो है अपने हायर टाइम फ्रेम पे चल रहा है अभी तक, अभी गोल्ड अपने जो है टॉप हायर टाइम फ्रेम पे जा रहा है वापिस, गोल्ड नीचे नहीं आ रहा है, गोल्ड अपना एक बहुत बड़ा वाला हाई बना रहा है। तो ये कहां तक जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, बट एक लेवल जो होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, कुछ ऐसे लेवल कहा जाता है जहां मार्केट रुकता है जाता है, वो लेवल निकल के आएगा ये 2500 वाला। ठीक है, ये जो 2500 वाला लेवल है हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स हो। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का सिग्निफिकेंट लेवल कहा जाता है, कि जैसे 25 हो गया, 3000 हो गया, ये जो नंबरिंग होती है बहुत यूनिक नंबरिंग होती है, क्योंकि सबका डाटा यहीं पे, ज्यादा बड़े बड़े ट्रेडर्स का यहीं पे कैलकुलेट होता है, एंड इसी बिहा पे वो क्या करते हैं ट्रेड्स वगैरह प्लान करते हैं अपनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे चीजों को जस्टिफाई करें। अब अपन जानते हैं कि अपन ने जो अभी पढ़ा है उसको इम्प्लीकेंट कैसे करेंगे अपन, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने होंगे। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या करेगा, वापस डाउन आएगा, तो कहां से अब जा सकता है, वो जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड से कोई मतलब नहीं, थर्ड कैंडल या फोर्थ, देखो ये फर्स्ट कैंडल को किसी ने टच नहीं किया, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक। अब आप बोलोगे ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, मार्केट यहां से भी रिवर्स हो सकता है, बट कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करेगा इसका भी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये वाला पूरा एरिया आ गया। अब आप बोलोगे इसमें विक्स इसलिए ली क्योंकि विग यहां पे पेंडिंग है। ठीक
ठीक है, तो गोल्ड अपना क्या करेगा, एक हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट बना रहा है जहां पे आप ट्रेड दे सकते हैं। एंड देन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे सपोज करिए मार्केट क्या करता है, यहां से कुछ इस तरीके से रिवर्स करता है, ठीक है। रिवर्स करने के बाद आपको वापस बाय डायरेक्शन का प्लान करना है, क्यों, क्योंकि हायर मोमेंटम में मार्केट अभी चल रहा है। तो ये बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, डेली के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। यूरो यूएसडी का देखते हैं, तो यूरो यूएसडी का 4 आवर पे सेम सिनेरियो रनिंग में है, ठीक है। इसमें भी कोई चेंजेस वगैरह अभी नहीं है, ये भी अपने टाइम फ्रेम पे हाई लेवल पे चल रहा है, बट ये मार्केट टोटल हाई लेवल पे नहीं है, ये अभी के टाइम फ्रेम पे हाई पे होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट था इसको मार्केट ने लिया, जिसको अपन आईडीएम कहते, इल्यूजमेंट, ठीक है। ये क्या चीज होती है एंड कैसे वर्क करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट ने क्या किया, अपना एक हाई लेवल बनाया, ठीक है। मार्केट ने ये एक अपना हाई लेवल बनाया, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी शिफ्ट कर दी। तो जब भी मार्केट ऐसे लिक्विडिटी शिफ्ट करता है तो आपने क्या करना है, इस केस में डायरेक्ट आपको सेल ट्रेड मार देना है। अगर मार्केट टॉप पे या बॉटम पे अपनी जो कैंडल है उसको क्लोज ना करके सिर्फ विक मारता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आईडीएम कंसिडर किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैंने इसको आईडीएम क्यों लिया, उसका लेने का एक रीजन सबसे बड़ा ये है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला था, तो मेरा मानना था कि इस पे तो अपने को ट्रैप करेगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल ट्रैप था, तो मैंने ये ले रखा था। एंड बड़े टाइम फ्रेम पे इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क किया है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में आते ही अगर आप यहां से एंट्री लेते तो डेली का आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे लॉस कितना होता, लास्ट लो आपका $12 का लॉस होता, एंड फर्स्ट हाई अपना टीपी होता, जो कि आपका $35 का प्रॉफिट होता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली। तो आप इस तरीके से अच्छी खासी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने लिए गोल्ड के लिए। तो आज अपन ने 3 चीजों को कवर किया, बेस्ट गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसके साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक पे आप कैसे ट्रेड करेंगे, एंड आप डेली प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ पे। अगर आप और इन चीजों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली सिग्नल, डेली चार्ट पैटर्न्स वगैरह सारी चीजें आपको बताई जाती है एंड समझाई जाती है। वहां पे एक फ्री क्लास भी होती है हमारी, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है देन आप यहाँ से अगेन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट बाई जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी मार्केट इस एरिया को क्लोज कर देगा एंड कैंडल क्लोज होना नेसेसरी है यहाँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, इसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे एंड सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय।